365 सवाल जिनके जवाब आपको जगाएं। सवाल, ध्यान का ज्ञान क्या है? What is the true meaning of meditation? You are meditation. ध्यान का ज्ञान क्या है? ध्यान का ज्ञान शब्दों में नहीं होता, मगर ध्यान के ज्ञान को जब शब्द दिए जाते हैं तब वह विचार नियम बनता है। विचार नियम ज्ञान है, और वह भी मामूली ज्ञान नहीं है। विचार नियम ज्ञान है, वह भी ध्यान का। ध्यान को जब शब्द दिए जाते हैं तब विचार नियम समझना आवश्यक है। विचारों को चुप कराने का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग देनी है तो आपको विचार नियम का ज्ञान मिलना ज़रूरी है। विचारों के पीछे जो है वह है ध्यान। ध्यान बेबंद साक्षी है। जब लोग शब्द सुनते यू आर मेडिटेशन तो कहीं लगता है ग्रामेटिकली गलत सेंटेंस तो नहीं है, मगर ये गलत नहीं है। जीसस ने कहा आई एम लाइट, और उसी पंक्ति को अगर कहा जाए आई एम इज लाइट, तो आई एम इज लाइट कहा अगर एम के बाद इज डाला तो लोग कहेंगे ग्रामेटिकली कुछ तो गलती है, मगर आई एम इज यानी हमारे अंदर जो होने का एहसास है वो लाइट है, वो प्रकाश है। ये प्रकाश है ध्यान। मगर जब लोग ध्यान को विधि समझ लेते हैं, एकाग्रता को ध्यान समझ लेते हैं, तब ध्यान एक विधि बन जाती है और लोग असली ध्यान को भूल जाते हैं। तो मिसिंग लिंक जो है वो सामने आना ज़रूरी है। कुछ विषय ऐसे हैं अध्यात्म के जो लोग भूल चुके हैं, पूरे विश्व में भूल गए हैं, जैसे आत्मा शब्द। तो आत्मा शब्द सेल्फ के लिए भी इस्तेमाल होता है और आत्मा शब्द सूक्ष्म देह के लिए भी इस्तेमाल होता है, एक ही शब्द। तो लोग अध्यात्म में सोचते हैं कि आत्मा, मैं आत्मा हूँ, और आत्मा शरीर छोड़कर जाती है मृत्यु के बाद। तो मैं आत्मा हूँ जब कहा तब वो सेल्फ के लिए कह रहे, और जब आत्मा देह छोड़कर जाती है तब वो सूक्ष्म देह के बारे में बात कर रहे। तो कितना बड़ा धोखा अध्यात्म में बन जाता है जब लोग एक ही शब्द दो बातों के लिए इस्तेमाल करते हैं, कितना कन्फ्यूजन हो जाता है। तो लोग आध्यात्मिक ज्ञान पढ़ते हैं मगर कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाता है, यानी आत्मा आती जाती रहती है, सेल्फ तो सदा है, आने जाने का सवाल नहीं है। तो सेल्फ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो पंक्ति गलत सिद्ध हो जाती है, और हिंदी फिल्मों की वजह से आत्मा शब्द डरावना हो गया। तो कुछ शब्दों को हटाकर नई शब्दावली में आपको ज्ञान दिया जाता है। तो ध्यान का ज्ञान विचार नियम, ध्यान का जो ज्ञान है वो विचार नियम है, और विचार नियम समझना कि जिस चीज़ पर आप ध्यान देते हो वो चीज़ आपके जीवन में आने लगती है, बढ़ने लगती है। अगर आप ऐसे इंसान पर ध्यान दे रहे हो जिससे आपको चिढ़ आती है तो धीरे धीरे वही इंसान की एक्टिविटी आपके आसपास बढ़ते जाती है और उस तरह के लोग बढ़ते जाते हैं। तो अनजाने में लोगों को ध्यान को दिशा देना आता नहीं है, विचारों को दिशा देना आता नहीं है, वे अपने पांव पर ही कुल्हाड़ी मारते हैं।
तो ये ज्ञान सभी लोगों तक पहुंचे। सरश्री जी द्वारा दिए गए इन सत्य संदेशों के साथ साथ आप सरश्री लिखित पुस्तकों का भी लाभ ले सकते हैं। ऑनलाइन बुक्स ऑर्डर करने के लिए हमारी वेबसाइट है www.gethappythoughts.org। इस संदेश के बारे में अपने विचार अभिप्राय जरूर शेयर करें या आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है mail@tejgyan.com।